कैंट रेलवे स्टेशन के सामने अवैध गेस्ट हाउस में देह व्यापार के धंधे जोरों पर चल रहे हैं। वाराणसी पुलिस है नाकाम। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगरम व परेड कोठी क्षेत्र में आए दिन अय्याशी को लेकर देह व्यापार के धंधे जोरों पर है। सूत्रों की माने तो कैंट स्टेशन के सामने गेस्ट हाउस में प्रबंधकों द्वारा ऊंची दरों पर कॉल गर्ल उपलब्ध कराई जाती है। कई हत्याएं हो चुकी हैं जिनका अभी तक खुलासा होना संभव नहीं हो पाया है। इन्हीं गेस्ट हाउसों में जिले के बाहर के अपराधी आकर पनाह लेते हैं। वाराणसी पुलिस इन सभी वारदातों के होने के बावजूद किसी भी तरह कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो इन अवैध गेस्ट हाउसों में बिना आईडी के रूम तक उपलब्ध हो जाते हैं। वाराणसी पुलिस की निष्क्रिय होने पर वाराणसी के महिला संगठनों ने उठाया आवाज, कहा सुरक्षित नहीं कभी भी हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। बल्कि पूरे भारत देश में रोकने के लिए कोष पद उठाने के लिए कि हम किस प्रकार उन चीजों को रोके जो हमारे भारत देश की गरिमा को युवा फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षा सीमा चौधरी है, हम लोग उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए और इस चिंगारी को आपसे बातें करने उसके बारे में जानने और उसके खिलाफ एक आवाज उठाने। देखिए क्या है कि वाराणसी धार्मिक स्थल है और ये जो है कि विदेशों में लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अश्लीलता जो है फैल रही है, पोस्टर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से आए दिन ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे जो है पोस्टर आपके सामने देखने को मिलते हैं जिससे हमारी नजरें झुक जाती हैं। किस तरह से जो है कि वहाँ पे सॉन्ग प्ले होते हैं और आपकी नजरें जो है झुक जाएगी। कुछ लोग हैं उसको इंजॉय करते हैं, कुछ लोग हैं जो निकल के सामने आकर बोलते हैं भैया इसको बंद कर लो, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहे कि स्टेशन पे उतरिए। हम कैंट की बात कर रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो ही आप काशी की धरती पे कदम रखते हैं आपको ये बोला जाता है कि मैडम आप चार्ज क्या लेंगी, क्या बिकती होगी उस औरत पे जो इस तरह से सुनती है। रात के समय ऐसा कुछ होता है कि